चल कह दे जो भी दिल में तेरे मेरे हैं, ये आंसू थोड़े तेरे थोड़े मेरे कैसे आ रही है आवाज? कोई टीवी से भी आ रहा है? क्या हुआ है यार? रोने की आवाज आ रही है? हाँ आ तो रही है यार, पिछले 2 घंटे से आ रही है लगता है। क्या है ये? तुम्हें भी आ रही है वाकई? अरे माही यार, पता नहीं यहाँ विंडो से आ रही है आवाज, कहाँ से आ रही है? तो घर में रो रहा है बच्चा। देखो कहाँ से आ रहा है। उबर उठो चलो। कहाँ से आ रही है? आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ कैसे आई। कहानी कुछ यूं है कि दूर पहाड़ों पर एक प्यारी सी जगह है जिसका नाम है चिंगिस्तान, जहाँ की हर चीज प्यारी है। उस जगह को और प्यारा बनाती है वहाँ की परविशा। परविशा अपने माँ बाप के साथ रहती है, खुश है, मगन है, लेकिन उसे क्या पता अचानक उसकी जिंदगी में भाव आ जाएगा और उसके माँ बाप उसे भाव से शादी का कहेंगे। लेकिन जहाँ भाव होता है वहाँ शहजादा भी तो होता है। जैगम परवेशा का शहजादा बनकर आया और अपनी शहजादी को सबसे बचाकर दूर ले गया, जहाँ दोनों हंसी खुशी रहने लगे। और इनकी खुशियाँ बनाने आई एक नन्ही परी। जी हाँ, यानी मैं परीशे। मैं माँ बाबा के साथ बहुत खुश थी, फिर अचानक वो भाव वापस आ गया। माँ रोने लगी, बाबा डरने लगे, वो दोनों मुझे लेकर भाग गए। भाव और उसके साथी हमारा पीछा कर रहे थे और भागते भागते एक गोली चली जो बाबा को लग गई। माँ रोते हुए मुझे लेकर भागती रही और फिर घर के दरवाजे पर मुझे छोड़ दिया और इस तरह मैं यहाँ आ गई।
हंसी बादलों में उड़ती फिरती जिंदगी जाने नहीं देती चेहरे से हंसी फिर क्यों खामोशी दिल में है रखनी सादा सी है ये जिंदगी चल कह दे जो भी दिल में तेरे मेरे हैं ये आंसू थोड़े तेरे थोड़े मेरे हैं हम है राही साथ चलना दो कदम का जहां हम है राही साथ चलना दो कदम का जहां थोड़ा तू चल दे थोड़ा मैं चल दूं यूं ही कट जाए ये समां फिर हवा सी चले किस्मतें फिर हो हमारी ये दुआएं करें कौन जाने कब बदल दे जिंदगी में सभी चल कह दे जो भी दिल में तेरे चल दे थोड़ा मैं चल दूं तू ही कट जाए ये समां हम है राही साथ चलना दो कदम का जहां अपनी अपनी खुद कहानी कब करेंगे बयान प्यार की पढ़ाते चले ये खत्म ना हो सके इतनी वफाएं करें आसरा है बस हमें एक दूसरे का ही चल कह दे जो भी दिल में तेरे मेरे थोड़े तेरे थोड़े मेरे हैं मेरे को कोई पूछता है जिंदगी का कीमत मेरे को याद आता है तेरा मुस्कुराना सुना है ख्वाब सुनाओ तो तामीर नहीं मिलती चलो मैं चुप ही रहता हूं कि मेरा ख्वाब तो तुम ही हो अरे सो जाओ थोड़ी देर में चली जाना अरे देर हो गई है नाश्ता बनाना है अभी तो मेरा बीवी का मेहंदी भी नहीं सूखा है तुम आज भी काम करेगा अरे इतना कौन सा काम कर लेते हैं और वैसे भी अभी ये दोनों चले जाएंगे तो फिर हम दोनों पार्टी करेंगे यहाँ पे और आज तो हम हनीमून पे भी तो जा रहे हैं हाँ तुम मुझे मरवाएगा अभी तो हमने हिम्मत भी नहीं किया हिसाब से बात करने का अरे कल ही तो फाइनल बात हुई है अगर हम ग्रुप वालों के साथ नहीं जाते तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा बात तो तुमको ही करनी पड़ेगी अगर हम अगले महीने का कर ले तो
सोच लो, नई नवेली दुल्हन शादी के पहले ही दिन नाराज हो जाए तो। ना बाबा ना, नाराज नहीं हो जाओ, अभी हमारा प्रैक्टिस नहीं है ना बीवी को मनाने का। इधर देखो, अरे इधर तो देखो, हम करता है कुछ। हे वीना वादुले राजा, चल अभी मुझे मैडम के पास जाना है, इससे पहले वो अंदर आ जाएंगी। उनको फूलों से फुर्सत मिले तो आएगा ना। तुम थोड़ी देर रुको। आती थोड़ी देर में आती। उठ जाए मिस्टर शेफ। मिस्टर शेफ, अब खाना आपको ही बनाना होगा क्योंकि शबाना और गुलरेज तो हाथ से गए। क्या हो गया सुबह सुबह? वही शादी के बाद जो हमेशा होता है, बच्चा, फिर एक और बच्चा। बेटी हो गई तो बेटा क्यों नहीं, बेटा हो गया तो एक और बेटा। चल रिलैक्स, क्या देखा ही हो? हाँ देखा नहीं है मैंने, उमर सुना है अपने कानों से शादीशुदा रिवायती रोमांस। तेरी बात है। हाँ तो उनकी बातें चोरी चोरी सुन रही थी, उनकी भी कोई प्राइवेसी है यार। मैंने कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ को इन्वेट नहीं किया। अगर मैं ऐसी होती ना तो मैं आपका फोन चेक करती बीवी कार्ड खेल के। तो कर लो कार्ड फोन। ये लो, देयर इज नथिंग टू हाइड। कितने बोरिंग हैं आप, हमें कोई फेर ही चला लो। चला तो लूं लेकिन तुमसे नजरें शायद मिला लो लेकिन खुद से नहीं मिला पाऊंगा। You know what, Mr. Chef? Sometimes you are amazing. I'm glad, Miss Scientist. सुनो, इस शादीशुदा कपल को काबू करें वरना मैं भी काबू हो जाऊंगी। Okay. अगर आज हम नहीं गए ना तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगी। सारा दुनिया हनीमून मनाने यहाँ आता है और तुमको जाना है। हनीमून ही तो वो मौका होता है जिसमें जो ना देखा हो वो भी देखा जाए। ये पार तो हम रोज देखते हैं, हनीमून रोज रोज नहीं आता। हम तुम्हारे साथ है, हनीमून तो रोज रोज होगा ना। हो गया? जी बाजी बस हो गया है, अभी लाई। वो बाजी गुलरेज ने आपसे कुछ बात करी। कोई छुट्टी नहीं दूंगी मैं तुमको। और ये तुम क्या दुल्हन बन के आ गई? बाजी नई नई शादी हुई है ना, आपको तो पता है अभी नहीं पहनूंगी ये सब तो फिर कब पहनूंगी। तो हमारे जाने का वेट कर लेती, उसके बाद इस तरह तैयार हो जाती। जी अरे क्या सुबह सुबह। ये तुमने क्या किया? अम्बाजी से कैसे बात करेगा, तुम खुद बात कर लो। बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी और वो भी आज ही। बस खुदा ख्वार के ख्वार नशे। इधर आओ। थैंक यू उमर। उमर उमर तुम्हें पता है दोनों हनीमून पे जा रहे हैं और ये दोनों चले जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, ये सब कैसे होगा? जाने दो यार,
ये मौका तो कभी कभी मिलता है। हम क्या करेंगे? हम दोनों भी एक छोटा सा हनीमून मना लेंगे। क्यों? मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। क्या हमारे कौन से बच्चे रो रहे हैं? खुद को ही संभालना ना। एक काम करेंगे, आई विल कुक फॉर यू, तुम डिशेस कर लेना, सही है? और बाकी रह गया ड्राइवर, मैनेज कर लेंगे, बिग डील नहीं? तुम्हें तो मिसेज कुछ तो होने। क्या रैंडम क्वेश्चन है? मैं वैसे पूछ रही थी। हो खुश? ऑब्वियसली नहीं, वरना शहर से दूर यहाँ पे तुम्हारे साथ एक अलग दुनिया क्यों बसाता? बोलो। इतना सोचती क्यों? तुम ज्यादा जहन पे जोर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे। नहीं। प्रॉमिस। गाड़ी की चाबी मुझे दो, मैं खुद ही जाऊंगा। क्यों साहब? तुम्हारी शादी का पहला दिन है, काम पे जाओगे तो बेगम खफा हो जाएगी। नहीं साहब, हमारा शबाना ऐसा नहीं। यार ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन इंसान की हरकतें जो होती हैं ना, वो इंसान को ऐसा कर देती हैं। मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है साहब? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तुम उसे खुश रखो बस। शुक्रिया साहब। अल्लाह हाफिज़ साहब। अल्लाह। चल कह दे जो भी दिल में तेरे मेरे हैं, ये आंसू थोड़े तेरे थोड़े मेरे हैं, हम हैं राही साथ चलना दो कदम का जहां, हम हैं राही साथ चलना कदम का जहां, थोड़ा तू चल दे थोड़ा मैं चल दूं। माही तो हमेशा ही खूबसूरत लगती है, शी इज परफेक्ट। अरे क्या, तुम भी बहुत प्यारी हो, तुम लोग भी बहुत प्यारे हो, कोई मुकाबला थोड़ी चल रहा। हाँ कोई मुकाबला तो नहीं, मगर जिस तरह तुम अपना ख्याल रखती हो इस तरह हम कहाँ रख पाते। तो रखो तुम भी अपना ख्याल, क्यों नहीं रखती हो? उमर भाई भी तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ ये तो है, ना कोई जिम्मेदारी है, ना बच्चों की टेंशन, ना सास की चिक चिक, तुम दोनों के सही मजे हैं। हाँ तो क्यों ना हो मजे,
भाई मैंने और उमर ने एक दूसरे के लिए शादी की, एक दूसरे को खुश रखने के लिए शादी की, कोई सोसाइटी के प्रेशर में आके नहीं की हमने शादी, एक दूसरे की खुशी के लिए शादी की है। और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी पे सबसे पहला हक हमारा है, इसलिए मुझे भी नहीं शौक है मैं उमर के पैरों में औलाद की जंजीर बांध के उसको रोकती, ना ही कभी उमर ने सोसाइटी में अपनी मर्दानगी जाहिर करने की कोशिश की। तो बस इसलिए आई थिंक हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, वरना आज मेरे भी तुम लोगों की तरह बच्चे होते और मैं भी इसी तरह टेंशन में होती है ना। तुमने गाड़ी मंगवा ली है ना? ग्रुप खुद पिक करेगा हमको। अरे वाह वीआईपी। मेरे साथ रहोगी तो ऐश ऐश करोगी। अरे कौन सी ऐश करेंगे, ऐश तो तब करेंगे ना जब तुम पक्की इजाजत लोगे। साहब ने तुम्हें छुट्टी क्या दे दी, तुम तो हवाओं में ही घूम रहे हो। शब्बो तुमने कह दिया, तुम समझो इजाजत मिल गया। सच्ची? अरे तेरा ऐसा मुस्कुराना और तुम जो यूं घूमता है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। चलो चलो पैकिंग भी करनी है, उठो। ये कोट भी रख लूं? हाँ ये इसको भी रख लो और ये वाला भी रखो। मैं सूरज गरूब होते कितना खूबसूरत लग रहा है। पता है उमर ये मेरा फेवरेट टाइम है। कितना अच्छा लग रहा है ना अपनी खामोशी और ये ब्रेथ टेकिंग व्यू और तुम और तो तुम्हारे साथ ही चाहे। ये बात मालूम तो है लेकिन जब भी तुम कहते अच्छा लगता है। मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगता है। ओए शबाना, तुम अम को भी अपने हाथों का चाय पिलाओ ना। मैं नहीं पिलाऊंगी। ओए हमारा बीबी ओके अम को चाय नहीं पिलाएगा। पहले जाके तुम इजाजत लेकर आओ। इजाजत? चाय के लिए इजाजत? अम जाएगा शबाना, अम इजाजत लेके आएगा। अच्छी खबर लेके आना। तुम्हें अपनी तारीफ सुनना पसंद है ना? नहीं, not really, लेकिन जब तुम इजहार करती हो तो अच्छा लगता है। तारीफ सुनना किसको नहीं पसंद है? सलाम अलैकुम साहब। हाँ वालेकुम सलाम, क्या हुआ? साहब हमको आपसे कुछ बात करना था। हाँ कहो। साहब हमने आपसे बगैर पूछे ग्रुप के साथ प्लानिंग बनाया, वो आज रात को गाड़ी से शहर जा रहे हैं। हमने सोचा हमारा हनीमून भी हो जाएगा, शबाना का बहुत दिल है साहब के वो शहर घूमे। हमने उसको मना किया कि अभी नहीं अगले महीने चलते, लेकिन बाजी उसने हमारा एक नहीं सुना। अब हम क्या करें? हमको क्या पता कि नया बीवी को कैसे मनाते। वो तो बला वो साहब का कि साहब ने हमको छुट्टी दिया तो हमने शबाना को मनाया। अब अगर साहब गाड़ी आज रात को निकल गया तो हम भी कमरे से निकल जाएगा। साहब आप कुछ करो। देखो तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो एक बात मेरी याद रखना कि जो बेगम कहती है ना उसका हुक्म सरा। जी बाजी। ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रही है। अब इन्होंने कह दिया जाओ छुट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बस हम एक हफ्ते में आ जाएगा। हाँ कोई बात, ख्याल रखना आपका। तुम देखना ये तीन हो गया आएंगे।
कैसे आ रही है आवाज? कुछ तीस ही और है, क्या हुआ यार? रोने की आवाज आ रही है? हाँ आ तो रही है यार, ये पिछले दो घंटे से आ रही है। क्या है ये? तुम्हें भी आ रही है वाकई? अरे माही यार, पता नहीं यहाँ विंडो से आ रही है आवाज, कहाँ से आ रही है? तो लग रहा घर में रो रहा है बच्चा। देखो कहाँ से आ रही है। उमर उठो चलो। ओहो, क्या हो गया, क्या हो गया यार? ये बच्चा तो सांस पीछे खींच के ले गया। उमर अच्छा बस अंदर बस क्यों ले आए उमर? क्या करता? पता नहीं किसका बच्चा है ये, कोई बाहर रख के गया होगा क्या? खुद बता के ले जाए उमर, ये किस तरह रो रहा है ये? किसका बच्चा है? इंसान का बच्चा लग दी ना तुम्हें? तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या हो गया? लेकिन ये बहुत हो रहा है। अच्छा चुप तो करा ना इसको। अरे यार मैं सोचा नहीं, इसको यकीनन भूख लगी है, कुछ खिलाते हैं इसको। ये पकड़ो पकड़ो, कुछ लेके आ जाओ ना, पकड़ो ना। नहीं हो गया तुम्हें यार, तुम्हें देख के नहीं रो रहा। तुमसे तुम्हारा कोई डर सकता है मेरे अलावा? अच्छा पकड़ो ना। अब मुझे बहुत हो रहा है। अच्छा खाएगा क्या? बिस्किट बिस्किट लेकर आती हूँ। एक मिनट रुको, पता नहीं उसके दांत हैं या नहीं, ये चेक तो करो। अच्छा मैं तो दांत नहीं चेक कर लिया। ओए तो बड़े बड़े दांत हैं यार इसके। तो बिस्किट लेके आती हूँ मैं। अच्छा नहीं नहीं तुम रुको 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 रुको, इधर आ इधर आ, दूध पिलाते हैं यार। हाँ दूध सेफ ऑप्शन है, मैं लेके आती हूँ। लेकिन ये दूध नहीं। फिर जो बच्चों वाला दूध? हाँ हाँ डब्बे वाला दूध होता है। हाँ ठीक है। भाग रहे यार। अच्छा बस बस बस। अच्छा अच्छा ये अच्छा, इसको यहीं पे रहना ठीक है। मैं लेके आ रहा हूँ गाड़ी की चाबी।